ओडिशा के बारामती स्टेडियम में खेले गए वुमेन्स चैलेंजर ट्रॉफी के फाइनल में इंडिया सी ने इंडिया बी को 8 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया बी ने 20 ओवरों में 131 रन बनाए, जिसके जवाब में इंडिया सी ने ये लक्ष्य 28 गेंद पहले ही 15.2 ओवर में हासिल कर लिया है। इंडिया सी की जीत शेफाली वर्मा की तूफानी बल्लेबाजी की वजह से तय हुई है, जिन्होंने 48 गेंदों में नाबाद 89 रन ठोके। उसके अलावा माधुरी मेहता ने 20 और कप्तान वेदा कृष्णामूर्ति ने 15 रनों की पारी खेली। 132 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उत्तरी इंडिया सी की ओर से अकेले शेफाली वर्मा इंडिया बी के गेंदबाजों पर भारी पड़ी। शेफाली ने माधुरी मेहता के साथ पहले विकेट के लिए 10 ओवरों में 77 रन जोड़े। इसमें माधुरी मेहता का योगदान 30 गेंदों में 20 रन था, जबकि शेफाली छक्के चौकों से बरसात कर रही थी। इसके बाद शेफाली ने कप्तान वेदा कृष्णमूर्ति के साथ मिलकर टीम के स्कोर को 112 रनों तक पहुंचाया। हालांकि कप्तान वेदा 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। शेफाली क्रीज पर डटी रही और उन्होंने हेमलता के साथ मिलकर टीम को चैलेंजर्स ट्रॉफी का चैंपियन बना दिया। शेफाली ने 48 गेंदों में 90 रन बनाए। उनके बल्ले से 15 चौके और 2 छक्के निकले। इससे पहले इंडिया बी की टीम की ओर से पूजा वस्त्रकार ने 22 गेंदों में नाबाद 43 और ओपनर वनीता ने 25 रन बनाकर टीम के स्कोर को 131 रनों तक पहुंचाया। इंडिया सी की ओर से दक्षिणी ने 4 ओवरों में 15 रन देकर 3 विकेट चटकाए। गार्डन वर्ल्ड क्लास केटरिंग सेंट्रली एयर कंडीशन लश ग्रीन लॉन्स स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग लॉन्चिंग एंड पार्टीज राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।